टॉपिक। तो पहला टॉपिक आप देखेंगे दोस्तों वो है यहाँ पर ईआर डायग्राम। जी हाँ, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए डेटाबेस भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है। तो जैसे हम किसी भी सॉफ्टवेयर में सबसे पहले अगर क्लाइंट हमारे पास आता है कि इट इज अ सेट ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कि ये हमारी प्रॉब्लम है, उसके लिए हमको सॉफ्टवेयर बनवाना है। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जहां पर उसकी सारी रिक्वायरमेंट हम जान लेते हैं और फिर उसको लिखते हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर जिसको बोलते हैं एसआरएस। अब ये तो हो गया मान लीजिए एक तरह का पहला फेज। जब डिजाइनिंग स्टार्ट होती है तो दोस्तों सबसे पहले क्या हम डायरेक्ट कोड लिखने लगते हैं? जी नहीं, हम डिजाइन बनाते हैं। तो बहुत सारे टूल्स जैसे क्लास डायग्राम्स हैं, डेटा फ्लो डायग्राम है, कंट्रोल फ्लो डायग्राम है, उसमें एक टूल है दोस्तों ईआर डायग्राम। तो डेटाबेसेस के अंदर देखिए समझिएगा सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में बहुत सारे टूल्स होते हैं, लेकिन यहां पर हम स्पेशली पढ़ते हैं ईआर डायग्राम को। इसका रीजन ये है, इसको पढ़ना समझना आसान है। डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी है एंटिटीज रिलेशन, उसके साथ ही बहुत अच्छा काम करता है और इसको दोस्तों रिलेशनल मॉडल या टेबल वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। तो सबसे पहला टॉपिक जो डीबीएमएस में हम पढ़ना चाहिए दोस्तों वो है ईआर डायग्राम। तो बहुत ही आसान और मजेदार टॉपिक है। मैं एग्जाम बाय एग्जाम बताता हूं, अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ईआर डायग्राम के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या हैं, एंटिटीज हैं, रिलेशनशिप्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उन सबका बेसिक नॉलेज और मे बी एक क्वेश्चन डिजाइनिंग का भी आ सकता है। तो एक सेट ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होंगी कि मान लीजिए एक कंपनी है, उसमें एम्प्लॉयज़ हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उस हिसाब से आपको बेसिक डिजाइनिंग करना होगा। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों ईआर डायग्राम से डिजाइनिंग तो ऑफकोर्स नहीं पूछ सकता ऑब्जेक्टिव पेपर में, तो बस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स, उन सब के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ सिर्फ ईआर डायग्राम से इन गेट एंड नेट यू कैन एक्सपेक्ट अ वन क्वेश्चन, मे बी अ वन मार्क, और इन यूनिवर्सिटी एग्जाम यू कैन हैव अ फाइव मार्क बेसिक क्वेश्चन। जब आप ईआर डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं तो दोस्तों यहां पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है कन्वर्जन ऑफ ईआर डायग्राम इनटू रिलेशनल मॉडल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट या नेट की अगर बात करूं, बिकॉज यहां पर एग्जाम में ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे पास एक ईआर डायग्राम है और इसको कन्वर्ट करना है रिलेशनल मॉडल में, आप बताइए मिनिमम या मैक्सिमम कितने टेबल्स लगेंगे। तो ये दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे ख्याल से इससे आप एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर भी यू कैन हैव 1-2 मार्क क्वेश्चन। तो टोटल ईआर डायग्राम या कन्वर्जन का आप गेट या नेट में 1 या 2 मार्क्स क्वेश्चन का वेटेज मान सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इससे घबराना नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, बहुत एक्सटेंडेड नहीं पढ़ना। स्पेसिफिक गिनती के मैं टॉपिक्स के अंदर नहीं जा रहा हूं, लेकिन 3-4 तरह के एट्रीब्यूट, 2-3 तरह की रिलेशनशिप, स्ट्रांग एंटिटी, वीक एंटिटी, अगर ये बेसिक कहानी आपको पता है तो बड़े मजे से आप यहां से पूरे में से पूरे नंबर ले आएंगे, ऐसा कोई नंबर दोस्तों नहीं कटेगा। और ऑफ कोर्स इस सीरीज में जब आप 1 बाय 1 सारी वीडियोस फॉलो करेंगे तो इसमें आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनने वाली है। अगला टॉपिक यहां पर दोस्तों आता है वो है बेसिक्स ऑफ रिलेशनल मॉडल और फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो रिलेशनल मॉडल की बात करूं तो बेसिक्स थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, जैसे कंसेप्चुअल लेवल क्या है, लॉजिकल लेवल क्या है, फिजिकल लेवल क्या है एज अ डेटाबेस। फिर टेबल को हम डिवाइड करते हैं कॉलम्स में और रोज में, तो क्या ऑर्डर चेंज करने से फर्क पड़ सकता है कि नहीं, क्या 2 कॉलम का सेम नाम हो सकता है कि नहीं, रो टपल एंटिटी किसको कहते हैं, ये सब बेसिक फंडामेंटल थोड़ा सा आपको आना चाहिए। और अगला बहुत इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों फंक्शनल डिपेंडेंसी। मुझे ऐसा लगता है कि जिन भी लोगों को नॉर्मलाइजेशन बहुत टफ लगता है, इसका रीजन ये है कि आपकी अभी बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है दोस्तों फंक्शनल डिपेंडेंसी पे। अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी और कीज पे आपकी अच्छी नॉलेज हो तो मुझे नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन के किसी भी क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा आपको लगना चाहिए। तो 2 सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज अगर आपके पास हैं तो कैनोनिकल कवर या मिनिमल कवर क्या होता है, 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी को एक दूसरे के साथ कंपेयर कैसे करते हैं, 1 सेट ऑफ डिपेंडेंसीज हमारे पास होंगे, आपसे पूछेगा कि ये जो एक नई डिपेंडेंसी है वैलिड है कि इनवैलिड है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस गेट और नेट में इंडिपेंडेंटली और यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज मैं ऐसा मानता हूं गेट या नेट में 1-2 मार्क क्वेश्चन आप यहां से बहुत आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी भी साल का पेपर उठा के देखिएगा। और दोस्तों एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का आप सोच सकते हैं कीज पे। लोगों को ऐसा लगता है कि नॉर्मलाइजेशन मतलब नॉर्मल फॉर्म ही पढ़ के जाना है, आप किसी भी साल का पेपर उठा के देखिएगा तो मान लीजिए इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी डिफरेंट कैंडिडेट कीज आर पॉसिबल, एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से हर 10 साल में 5 या 6 बार ये क्वेश्चन
रिपीट होता है, तो अब या फंक्शनल डिपेंडेंसीज पे बेसिक क्वेश्चन। तो अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर है जो कि होने भी चाहिए, इन पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस भी पूछता है और इन्हीं टॉपिक्स को यूज करके आप बाद में नॉर्मलाइजेशन की बात करते हो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगला टॉपिक ऑफकोर्स हमारा आ जाता है नॉर्मलाइजेशन। तो आप समझ रहे हैं ये डेटाबेस एक तरह से सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग भी हम कर रहे हैं। हमने पहले डिजाइन समझा, फिर डिजाइन को रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट किया, नॉर्मलाइजेशन हम कर रहे हैं सो दैट उसमें रिडंडेंसी ना रहे, टेबल जो है वो एक ऑप्टिमल फॉर्म में आ जाए। और एक क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का वो आप यहां पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब एक बात समझिएगा, देखिए एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन कैसे चेंज होता है। अगर गेट या नेट ऑब्जेक्टिव एग्जाम की आप बात कर रहे हैं तो यहां पर एक टेबल आपके पास गिवन होगा, आपको सिर्फ बताना होगा ये कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है। बट यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन होगा बताएं टेबल कौन सी नॉर्मल फॉर्म में, अगर नहीं तो इसको BCNF या 3NF जहां तक भी चाहिए उसको डिकम्पोज भी करना है। तो थोड़ा सा इन डेप्थ आपको नॉलेज होना चाहिए, हम सभी कुछ कवर करके चलेंगे। लेकिन ऑफकोर्स मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, किसी भी एग्जाम की पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एक बार ध्यान दें जिससे आपको समझ आए कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट है क्या। जब नॉर्मलाइजेशन आप कर लेते हो एक तरीके से डेटाबेस को हम ऑप्टिमल फॉर्म में ले आए हैं। अब अगला काम जो यहां पर है, जैसा मैं आपको बता रहा था कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज एक तरीके से वो टूल्स हैं जिनको यूज करके हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं, बट वो नॉर्मलाइजेशन हम दोस्तों BCNF तक ही कर पाते, उसके आगे BCNF काम नहीं करता। और यहां पर 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ऐसे मुझे लगता है 90% स्टूडेंट्स यहां तक काम करते हैं बट लॉसलेस या लॉसी डिकम्पोजिशन डेटा की टर्म्स में या डिकम्पोजिशन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है कि नहीं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, मान लीजिए हर 5 साल में 1 या 2 बार इससे क्वेश्चन आता है, लेकिन जब भी आता है डायरेक्ट आता है और बहुत आसान है। तो इस पर भी आपका नॉलेज होना चाहिए, ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज से ही यूज होते हैं बट थोड़े से डिफरेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात करता हूं इंडेक्सिंग और फिजिकल स्ट्रक्चर की। एक तरीके से मान सकते हैं कि जब डेटाबेस हमने डिजाइन कर लिया है, अब दोस्तों उसको एफिशिएंट बनाना है टाइम की टर्म्स में, तो इंडेक्सिंग या फिजिकल स्ट्रक्चर आपको फाइल को जल्दी से एक्सेस करने का तरीका दिलाता है। और बी और बी प्लस सी समझते हैं कि उनको हम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, तो 1 या 2 मार्क बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले आपको बेसिक इंडेक्स आने चाहिए, जैसे प्राइमरी इंडेक्स क्या है, सेकेंडरी इंडेक्स क्या है, क्लस्टर इंडेक्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल लॉजिक। और दूसरा फिजिकल स्ट्रक्चर्स बी ट्री बी प्लस ट्री उनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम गेट एग्जाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं आपको पढ़ना है। जब एक तरीके से आपकी डिजाइनिंग दोस्तों जो कि कंप्लीट, अब उसको यूज करना है, यहां पर आता है क्वेरी लैंग्वेजेस, एसक्यूएल, रिलेशनल एलजेब्रा या फिर रिलेशनल कैलकुलस। देखिएगा ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्डली आपको कभी कभी कोई क्वेश्चन दिखेगा रिलेशनल कैलकुलस से, बट आप मान सकते हैं इन दोनों भी मुझे ज्यादा लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट एलजेब्रा है, एलजेब्रा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट मोर और लेस आप मान के चलिए एक क्वेश्चन 1 to 2 मार्क पूछना ही पूछना है एलजेब्रा से भी और कैलकुलस से भी, है ना। यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऑफकोर्स आपसे कोई क्वेरी लिखवा कर भी देख सकता है, लेकिन गेट या नेट की बात करें तो सिर्फ एक क्वेरी लिखी होगी, आपको लिखी हुई क्वेरी को पढ़ना है, बहुत ज्यादा बहुत अलग अलग डिफरेंट ऑपरेटर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक बेसिक भी काम करते रहेंगे तो आपको बात समझ आएगी। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सर हमारा प्रोग्रामिंग लॉजिक इतना स्ट्रांग नहीं है, हमें ये पार्ट अच्छे समझ नहीं आ रहा, तो मैं हमेशा ये बोलता हूं भाई क्वेरी लिखनी नहीं है, लिखी हुई क्वेरी पढ़नी है और उसमें भी ऑप्शन आपके पास है, तो इतना मुश्किल है क्या? नहीं। अगला आखिरी 2 टॉपिक जिसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल, तो समझिएगा ये मॉडलेस जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं एक तरीके से सिस्टम डिजाइनिंग के हैं, ये दोस्तों है कि सिस्टम को ऑपरेशनल कैसे रखना है। तो डे टू डे ऑपरेशंस जो डेटाबेसेस में होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस में कुछ बेसिक टॉपिक हैं जैसे ट्रांजैक्शन स्टेट्स क्या होती हैं वो समझना, आपको बेसिक ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन क्या है, शेड्यूल्स क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट रियलाइजेबिलिटी। मैं चैलेंज कर सकता हूं पिछले 25 ईयर्स में काउंट करिएगा, कम से कम 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे कॉन्फ्लिक्ट रियलाइजेबिलिटी से। अगर आप एग्जाम से ठीक 10 मिनट पहले मेरे पास आए और पूछे कि सर 1-5 मिनट है 10 मिनट है क्वेश्चन करा दो जल्दी से एग्जाम लिखना है, तो मैं आपको पहला टॉपिक दोस्तों जो पढ़ाऊंगा वो मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम से सीपीयू शेड्यूलिंग और डेटाबेसिस से कॉन्फ्लिक्ट रिलायबिलिटी चेक करना। तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, हर बार पूछता है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज शेड्यूल रिकवरेबल है कि नहीं, कैस्केडलेस है कि नहीं, इस तरह का बेसिक डिस्कशन। और कॉन्करेंसी कंट्रोल में हार्डली 1 या 2 प्रोटोकॉल आपको पढ़ने हैं जैसे टाइम स्टैम्पिंग हो गया या फिर 2-वे लॉकिंग हो गया। तो दोस्तों यही एक तरह का पूरा आप मान सकते हैं कि एक
व्यू है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। देखिए बात हमेशा समझिए, पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वीडियो सीरीज में, इसके अंदर आपको स्पेसिफिक डिस्कशंस मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, थ्योरेटिकल डिस्कशंस मिलेंगे। बट मैं हमेशा बोलता हूँ, मान लीजिए आप गेट और नेट की तैयारी अगर कर रहे हैं तो अपने देखिए हर एग्जाम का अलग पैटर्न है, हर एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल अलग है, तो कम से कम प्रीवियस 5 या 10 ईयर्स पेपर आप उठाएं, अपने हाथ से एक एक क्वेश्चन को मार्क करें और देखें किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा, क्या पूछ रहा है एक्चुअली। बिकॉज आप समझिए प्रॉब्लम क्या है, ये एक्सपीरियंस धीरे धीरे आपको समझ आता है, ये एग्जाम लिख लेता है तब ये बात रियलाइज होती है यार इस टॉपिक पे इतनी मेहनत कर ली, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इस टॉपिक पे मेहनत नहीं की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये काम पहले करना है, पहले एनालाइज करो किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किस पैटर्न पे। मैं कहता हूं अगर आप इतना काम करोगे ना, लास्ट 5 ईयर्स कर लो, लास्ट 10 ईयर्स कर लो, आप मुझे आके बताओगे सर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं, और इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हार्ड वर्क के साथ साथ दोस्तों स्मार्ट वर्क भी करना है, स्मार्ट वर्क करोगे तो मुझे लगता है कि नॉलेज गेन होने के साथ साथ स्कोर भी करना है ना। प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारी बुक्स आपने पढ़ी, बहुत सारा समय लगा, नॉलेज तो गेन की लेकिन उस नॉलेज को कहीं ना कहीं एग्जाम में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए। तो कभी कभी पढ़ते हुए ऐसा हो सकता है आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, किसी टॉपिक में इंटरेस्ट आ गया, आप नेट पे चले गए, यूट्यूब देख रहे हैं, विकिपीडिया देख रहे हैं, भाई नहीं देखना। मैं हमेशा ऐसा बोलता हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक थोड़ा छूट जाए लेकिन किसी टॉपिक को एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, बिकॉज टोटल टाइम तो कॉन्स्टेंट है ना अपने पास। तो अगर हम किसी भी टॉपिक को एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं दोस्तों, समझिएगा किसी दूसरे टॉपिक का इंपॉर्टेंट टाइम आप छीन रहे हो, है ना। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना ही डिस्कशन काफी है, एक बेटर आईडिया अंडरस्टैंडिंग आपको मिली होगी, एक स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है कि आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, जिससे आपको आइडिया समझ आए पेपर का। तो मुझे दीजिए थोड़ा समय, बहुत जल्दी हाजिर होता हूं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।